को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गांधी जी की 150 जन्मदिन है। इस दिन को हर्षोल्लास के साथ हम सभी मनाते हैं क्योंकि वे हमारे राष्ट्रपिता हैं। स्वच्छता उनका सपना था। गांधी जी ने जितना जोर स्वतंत्रता संग्राम के लिए दिया था उतना ही स्वच्छता अभियान के लिए भी दिया था। आज मैंने अपने स्कूल के विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को लेकर प्लास्टिक बैन की रैली का आयोजन किया क्योंकि आज के इस दौर में प्रदूषण यानी पॉल्यूशन का मेन कारण प्लास्टिक ही है। प्लास्टिक मुक्त देश यानी स्वच्छ देश। आज प्लास्टिक के वजह से चारों तरफ मिट्टी प्रदूषित हो रही है। सभी नदी नाले जाम पड़ गए हैं, गंदगी बढ़ गई है। अभी हमारे ही देश के एक छोटे से बिहार राज्य में पटना शहर के चारों तरफ पानी ही पानी है क्योंकि सभी जगह से नालों का मुंह जाम है। उसका मूल कारण है प्लास्टिक, जिस वजह से पानी निकल नहीं पा रहा है। इस मुद्दे को हम लोग को सभी को विचारने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इस मुद्दे को हम लोग बिल्कुल कोई भी ख्याल नहीं रख रहा। आज मैंने इस रैली के दौरान कुछ एक बातों को एहसास किया। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि रैली के दौरान लोग बच्चों के ऊपर और शिक्षकों के ऊपर, यहाँ तक कि लोग खुद मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या प्लास्टिक बैंड हो पाएगा। मैंने उन लोगों को उस वक्त तो जवाब नहीं दिया सभी को, लेकिन कुछ लोगों को यह जवाब जरूर दिया कि अगर हम शुरुआत नहीं करेंगे तो कैसे होगा। हम दूसरों से ही क्यों सोचते हैं कि बंद होगा, हम खुद से तो पहले करके देखें। मैं आप सब से गुजारिश करूंगी कि आप सब ये छोटी छोटी कोशिश करें। 90 के शताब्दी में प्लास्टिक बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं किया जाता था, तो क्या उस वक्त के लोग सामान लेकर नहीं आया जाया करते थे? उस वक्त भी शॉपिंग करा करते थे, उस वक्त भी राशन लिया जाता था, उस वक्त भी सब्जी की मार्केटिंग लोग करते थे और बहुत स्वच्छता पूर्वक करते थे। तब नदी नालों का इतना बुरा हाल नहीं था। आज कहीं भी समुद्र, नदी, नाले, हर जगह बॉटल, बहुत सारी प्लास्टिक गंदगी पड़ी रहती है, जिस वजह से मूल कारण जल प्रदूषण और मिट्टी प्रदूषण का मूल कारण प्लास्टिक ही है। आज की गांधी जयंती के अवसर पर मैं आप सबसे यही गुजारिश करूंगी कि हमें यह छोटा कदम जरूर उठाना चाहिए ताकि प्लास्टिक मुक्त हमारा देश हो, स्वच्छ भारत हो। जय भारत माता की जय।